नमस्ते दोस्तों तो आज हम वर्ड के बारे में कुछ एक नई ट्रिक देखते हैं तो देखिए मेरे सामने यहाँ पे कुछ डेटा है और ये सभी डेटा जो है कॉमा के बीच में लगा हुआ है देखिए सब में कॉमा लगा हुआ यहां है यहाँ भी कॉमा है यहाँ भी अब इसे मुझे जो है सिंगल सिंगल लाइन में चाहिए मान लीजिए ऐसे मुझे चाहिए ऐसे करना है तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए तो हमको बहुत समय लग जाएगा देखिए यहाँ पर अगर हम क्लिक करके ऐसे रख रहे हैं तो हमको बहुत समय लग जाएगा तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है वो करते हैं सबसे पहले ये डेटा है हमारे पास देखिए यहाँ और यहाँ दोनों है तो इस कंट्रोल और एच प्रेस करेंगे रिप्लेस के लिए तो देखिए कंट्रोल और एच प्रेस कर दिए यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन आ गया है और हमें जहां जहां कॉमा है वहां पर रिप्लेस करना है फाइंड वाट में हम कॉमा करेंगे कीबोर्ड से कॉमा प्रेस करेंगे और उसके बाद रिप्लेस विथ में ये एक सिंबल है देख लीजिए ये सिंबल कहाँ से मिलेगा हमें ये मिलेगा हमें कीबोर्ड में ऊपर न्यूमरिक की में शिफ्ट और सिक्स बटन प्रेस करेंगे तो ये मिलेगा शिफ्ट और सिक्स बटन प्रेस किए तो ये मिल गया और उसके बाद स्मॉल पी प्रेस करेंगे देखिए और इस सिंबल का नाम है कैरेट बट कैरेट से हमें लेना देना नहीं है हमें ये कहाँ मिलेगा वो हमें पता होना चाहिए तो ये शिफ्ट और सिक्स बटन अगर हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड में ऊपर न्यूमरिक की में सिक्स और आ, की, shift और सिक्स बटन प्रेस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा और पी प्रेस करेंगे बस इसके बाद हम यहाँ पर रिप्लेस ऑल करते हैं तो देखिए 41 जितना हमारा था वर्ड 41 था कॉमा के साथ तो 41 हमारा ये हो गया अब इसे कट करिए और देखिए ये जितना भी कॉमा के साथ लगा हुआ था सब हमें जो है एक सेकंड लगा और इसे हमें न्यू लाइन में ये राइट करके दे दिया तो ये ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि ये मेरे पास कुछ डेटा आया था तो इस डेटा को मुझे सिंगल लाइन में करना था तो ये सिंगल लाइन में करने के लिए काफी समय जा रहा था मैं एक दो बार किया बट उसके बाद मैं सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वही सेम लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें थैंक यू वेरी मच